हाँ बिल्कुल इन चारों का आपराधिक रिकॉर्ड है जो राजू को बड़ा भाई है। जैसे घर के पास पहुंचे थे, गाड़ी से उतरे थे, उसी क्रम में 3 से 4 की संख्या में जो अपराधकर्मी थे वो साइकिल पे आए थे एवं उनके ऊपर फायरिंग किया था। तकरीबन 5 गोली फायरिंग हुआ था जो कि इन्होंने उनको लगा था। उसके बाद उनको पारस हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। इसी संदर्भ में दानापुर में अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। काफ़ी चर्चित मामला था क्योंकि जो मृतक दीपक मेहता थे वो राजनीति से भी जुड़े हुए थे और नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। तो क्योंकि मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ था तो उसी समय फिर एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया नगर पुलिस निरीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर वो इसका SIT का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अतिरिक्त थानाध्यक्ष दानापुर, थानाध्यक्ष रूपसपुर, थानाध्यक्ष खगौल, थानाध्यक्ष शाहपुर, देन हमारी SIU की टीम, पाटलिपुत्रा की टीम, थानाध्यक्ष पाटली बुदा कॉलोनी में, इन सभी को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया था। इसमें जो हम लोगों को शुरू के क्लूज मिले थे, जो मृतक हैं उनके परिजन हैं उनसे हम लोगों ने बहुत विस्तृत बातचीत की थी, विभिन्न स्तरों पर बातचीत की थी। तो उसी क्रम में हमको पता चला कि जो मृतक दीपक मेहता है ज़मीन के कारोबार के साथ बहुत देर से जुड़े भी हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो आसपास के जितने भी CCTV फुटेज थे उनका हमारा डायल 100 की टीम ने और SIU की टीम ने विश्लेषण किया, तकनीकी अनुसंधान किया गया। इसी क्रम में हम लोगों ने निबंधन कार्यालय से जो मृतक दीपक मेहता के साथ जुड़े हुए विभिन्न रजिस्ट्री के वो भी हम लोगों ने डिटेल्स प्राप्त किए। और इसी जब हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे थे तो हम लोगों को पता चला कि बहुत सी ज़मीनें जो दानापुर थाना क्षेत्र में हैं, दीघा थाना क्षेत्र में हैं, उस पर कुछ ज़मीनें मृतक के नाम पर रजिस्टर्ड थी, कुछ पे उनके नाम पर एग्रीमेंट था, कुछ पे उनमें बहुत से कुछ प्लॉट्स विवादास्पद थे। इसी में फिर परिजनों से इसकी संपुष्टि भी किया गया तो पता चला कि जो हत्या हुई है प्रमुख रूप से जो विवादास्पद ज़मीनों में कब्जे को लेकर जो इनका पेशेवर अपराधियों के साथ विवाद चल रहा था उसी के कारण थी। इसमें 2 प्लॉट्स को हम लोगों ने स्पेसिफिकली चिन्हित किया है अभी तक। एक तकरीबन 52 कट्ठा का प्लॉट है जो कि बिस्किट फैक्ट्री दानापुर यहाँ पे की जो रिजिक्शन में है, और एक 29 कट्ठे का विवादास्पद प्लॉट है जो कि रामजी चक दीघा में वनस्पति गणपति मंदिर के पास वहाँ पर प्लॉट है। इन दोनों प्लॉट